नमस्कार, वीकेंड इंस्पायर की ओर से मैं हूं डॉक्टर SRK और आपका भरपूर स्वागत है। हम में से कौन नहीं चाहता है कि अपने लाइफ में ग्रो करें, प्रगति करें। और दोस्तों, यह पैसा बनाने के संबंध में नहीं है, यानी यह धनवान होने के संबंध में नहीं है। सॉरी, पैसा से अर्थ है धनवान होने से संबंधित नहीं है, या एसेट्स बनाने से संबंधित नहीं है। जो बिजनेस में है वो इसे बेहतर समझते होंगे, बेहतर जानते होंगे। उनके वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें आप देखेंगे तो इस संबंध में जानकारी आपको मिल जाएगी। परंतु एक आम व्यक्ति जो कहीं काम कर रहा हो या इवन सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वह अपने लाइफ में ग्रो अगर करना चाहता है तो क्या ग्रो होगा? ग्रो का मीनिंग, ग्रोथ का मीनिंग क्या होगा और कैसे करेगा? एक तो होगा जरूर कि वह उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करे, और जैसे जैसे वह जीवन में अपने आगे बढ़ेगा उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ेगी और उससे वह कैसा पूरा करेंगे। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तब आप बिल्कुल अगर सिस्टमैटिकली लाइफ को चलाएंगे, मोर और लेस सिस्टमैटिकली अगर चलाएंगे, यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कदम दर कदम बढ़ते हुए चले जाएंगे। और कैसे बढ़ते हुए चले जाएंगे? आप अपने काम को सिंसियरली कीजिए, इंटीग्रिटी से कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। जो भी ट्रेनिंग की आवश्यकता हो ट्रेनिंग लेते रहिए, जो भी आपके यहाँ काम सीखने का हो वह काम सीखिए, उस काम से संबंधित जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि लेनी हो उसे लीजिए, जो नॉलेज लेना हो उसे लीजिए, और उसके संबंध में जितनी भी क्लैरिटी, जितनी भी क्लियर आप हों उस काम के संबंध में, उसे आप ऑब्टेन कीजिए, हासिल कीजिए। आप बढ़ेंगे कैसे नहीं? अगर अपने काम से संबंधित कुछ लॉ सीखना हो, कुछ कानून सीखना हो, कुछ नॉलेज गेन करना हो, उसको गेन कीजिए, उसे लिखिए, पढ़िए, जानिए, लोगों से पूछिए, ऑब्जर्व कीजिए। इस तरह से आप सिलसिलेवार ढंग से बढ़ेंगे। उसमें ऑफकोर्स एक खास बात जो याद रखने की है वह है यह कि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी, अननेसेसरी डिबेट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स ईमानदार रहिए, और जो अपनी आपकी जो अपनी पर्सनल ईमानदारी है उसे भी बनाए रखिए। परंतु अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ढंग से काम करता है उसे फॉलो कीजिए, तो अब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेंगे। अगर आपको वह ऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं, आपके पर्सनालिटी के अनुसार नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन आप चेंज कीजिए और अपनी पर्सनालिटी के अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रवेश कीजिए और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली आपके जो आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी जो वेल्थ है, धन है, वह भी बढ़ेगी धीरे धीरे, और आपकी जो जरूरतें हैं इससे संबंध में वह भी आपकी इंक्रीज होगी। यानी आपको अगर गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आपको ट्रैवल करना हो, किताबें पढ़नी हो, तो वह सब धीरे धीरे होता हुआ चला जाएगा अगर आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली काम कर रहे हो, उछल कूद ना करें, तब तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह तो पहली बात हुई ग्रोथ की। इसके अलावा ग्रोथ बहुत तरीके का होता है। जब आप आर्ट, कल्चर, यानी कि म्यूजिक, पेंटिंग इत्यादि सीखते हैं, या इस तरह के कोई काम को आपको गोल्फ खेलना बहुत पसंद है, आप गोल्फ खेलते हैं, आपको कैरम खेलना बहुत बहुत पसंद है, आप कैरम खेलते हैं, उसके बारे में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, छोटे बोर्ड बड़े बोर्ड से खेलते हैं, आप उसमें समय गुजारते हैं, उसमें स्किल ऑब्टेन करते हैं, तब आप ग्रो करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप सिनेमा में इंटरेस्टेड है तो सिनेमा के बारे में जानिए, देखिए, पढ़िए, सुनिए, उससे बारे में डिस्कस कीजिए, तो आप ग्रो करेंगे, उस क्षेत्र में आप ग्रो करेंगे। इस तरह से आप अलग-अलग फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। तो अलग-अलग फील्ड के संबंध में जानकारी आपको अगर प्राप्त जानकारी प्राप्त कीजिए, सुनिए। अब तो यूट्यूब चैनल इस प्रकार के हैं कि आप बहुत कुछ चैनल देख करके भी या यूट्यूब वीडियोस देख करके भी सीख सकते हैं, सीखिए। परंतु जब आप सीख रहे हो तो बाकायदा आप उन्हें लिखिए, सिलसिलेवार ढंग से आप जानिए तो ग्रो कीजिएगा। तो दूसरा, यह जो ग्रोथ हुआ आर्ट, कल्चर, आपकी जो इंटरेस्ट एरिया है उससे संबंध में आप ग्रो कर रहे हैं।
तीसरा जो ग्रोथ हुआ वो है कि आप अपने पर्सनालिटी को विभिन्न प्रकार से इम्प्रूव कीजिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बात करना सीखना, या कन्वर्सेशन, अच्छा कन्वर्सेशन करना, या पब्लिक स्पीकिंग करना, यह एक अच्छी बात है। यह आप कर सकते हैं, यह आप सीख सकते हैं। इसके लिए थोड़ी बहुत अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लीजिए और उसके संबंध में भी सीखिए। यह तो हुआ कि आप एक पब्लिक फिगर के रूप में उभर करके कैसे आएंगे। एक चौथी बात हुई कि आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं, चाहे कम्युनिटी आपके आसपास की हो, चाहे बड़ी कम्युनिटी हो, किसी रूरल एरिया में हो या किसी स्लम एरिया में हो, तो उनके लिए कुछ कीजिए और सिलसिलेवार ढंग से कीजिए और लगातार कीजिए। यह नहीं कि एक बार गए, फोटो खिंचाए, फेसबुक पर चिपका दिए और हो गया। सिलसिलेवार ढंग से कीजिए। बहुत इसके बारे में आपको अगर चर्चा करनी हो, बातें करनी हो, फोटो लेनी हो, ले सकते हैं, लेकिन काम कीजिए और उस काम को अच्छी तरह से जानिए, लोगों का मर्म पहचानिए, दर्द पहचानिए और उनके साथ जुड़िए और उसके लिए जो भी सीखना हो उसे भी सीखिए, तब आप उस फील्ड में भी ग्रो करते हैं। उसी प्रकार आप अपने परिवार में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप परिवार में, आप जानिए कि परिवार में रहें कैसे, कैसे कलह कम हो, कैसे कॉन्फ्लिक्ट कम हो, इसके बारे में जानिए। उसके लिए अगर आपको अपने इंटरनल स्पिरिचुअल, रिलीजियस या नॉन रिलीजियस, जैसे भी हो, आपकी मॉरल एथिक्स, या अगर आपको सीखना हो तो वह भी सीखिए, उस पर फॉलो कीजिए, तो कैसे नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तब भी आप ग्रो करते हैं। ये विभिन्न एस्पेक्ट्स हुए ग्रोथ के। अगर आप इस प्रकार से ग्रोथ करेंगे, लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है और जब लाइफ इंटरेस्टिंग होती है तो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, आपसे पूछते हैं, अब बहुत मजा आता है। दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट लाइफ, when you can talk about it, tell people, share with people and be with people, you know, that is the entire life. Then your health is also good because you're always smiling, always laughing, then your health is also good. Even if you have some problem with your health, you know, the others help you and then you become very good. To is tarah se agar aap karte hain to growth hoga, aur growth hoga jeevan mein to maza aayega. Maza lijiye. Thank you very much. Be happy.